हेलो स्टूडेंट्स, खाद्य सेवा प्रबंधन की लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम इसी बुक की इकाई 8 में न्यू योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने खाद्य सेवा इकाइयों के बारे में शुरू से ही पढ़ा, प्रारंभिक इकाई से अगर हम बात करें कि खाद्य सेवा इकाइयाँ कैसे बनी, कैसे उनका विकास हुआ, फिर खाद्य सेवा के कौन कौन से मूल तत्व हैं, किसी खाद्य सेवा इकाई के कार्मिक प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ जो हमें लगती है, कभी भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको याद, आपसे रिकॉल करिए कि आप जब वहाँ पे बैठते हैं किसी टेबल पे, किसी चेयर पे बैठते हैं वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वेटर क्या ला के देता है? मेन्यू कार्ड, किसी भी होटल का या रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। तो मेन्यू कार्ड क्या होता है? मेन्यू कार्ड वह एक केंद्र बिंदु है, ठीक है, वह सार है किसी इकाई का, किसी भी खाद्य इकाई का, जिससे कस्टमर को, ग्राहक को उस इकाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। किस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है? कि वहाँ पे किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, कितनी विभिन्नता है, कौन कौन सी लाइक कौन कौन से, किस किस प्रकार के उन्होंने डिशेज अपने शामिल किए हुए हैं, और क्या वहाँ पे कॉस्टिंग है। इनफैक्ट आपने ध्यान दिया होगा सामने सबकी कॉस्ट भी लिखी हुई होती है, और वैरायटी, कितनी वैरायटी है। तो इस प्रकार से एक मेन्यू कार्ड जो होता है, मेन्यू जो है वो किसी भी आहार सेवा प्रणाली का या खाद्य सेवा इकाई का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे हम अक्सर ही बहुत छोटी सी बात सोचते हैं कि मेन्यू कार्ड ऐसे ही रखा है, बट उसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत का कार्य है और काफ़ी कुछ ध्यान में रखना होता है। तो इस इकाई में हम यही सब पढ़ेंगे। तो अगर थोड़ा सा किताबी भाषा में समझें तो मेन्यू वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द आहार सेवा केंद्र की समस्त गतिविधियाँ संचालित होती हैं। गतिविधियाँ क्या होंगी? खाद्य से संबंधित, भोजन से संबंधित, तो वो सब उसमें मेंशन होता है किस किस प्रकार का भोजन है, किस किस रेट में मिलेगा, और कौन कौन सी इसमें आपको वैरायटी मिल सकती है, और किसी भी एक कोई फूड इकाई अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक उसमें है तो वहाँ पे मेन्यू कार्ड आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वो एक ही पेज का हो सकता है कि किसी ने अगर छोटा सा कोई ढाबा है या रेस्टोरेंट है, हो सकता है वहाँ पे एक ही पेज का आपको मेन्यू कार्ड मिले, बट होगा, ज़रूर होगा, जो भी वहाँ पे डिशेज उन्होंने अपने उसमें इकाई में रखी हुई है वो सब उसमें मेंशन होगी। आगे बढ़ते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया, जैसे मेन्यू कार्ड की बारे में क्या होता है, मेन्यू क्यों बनाया जाता है, और क्या कौन कौन से घटक हैं इसके, कौन कौन से कारक हैं इसको जो प्रभावित करते हैं, मेन्यू आयोजन कैसे होता है, मेन्यू प्लानिंग कैसे करते हैं, मेन्यू लेखन कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस किस टाइप के मेन्यू होते हैं, और रेसिपी विकास और रेसिपी मानकीकरण, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेन्यू शब्द जो है वो एक फ्रेंच शब्द से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी भी भोज या बैंकेट में परोसे गए भोजन की विस्तृत जानकारी या सूची। बिल्कुल जाहिर है मेन्यू का मीनिंग भी वही है और मेन्यू कार्य भी वही करता है। तो मेन्यू में क्या क्या होता है? मेन डिश होता है, पहले स्टार्टर होता है, स्टार्टर्स में आप सूप वगैरह या फिर जो भी स्टार्टर अपने यहाँ पे रखे होते हैं, मेन डिश होती है, मेन कोर्स, ठीक है, आपके स्वीट डिशेज होती हैं और डेजर्ट्स जिनको कहते हैं, और बेवरेजेस होंगे, स्नैक्स होंगे, तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो कि उसमें हर एक खाद्य इकाई का अपना तरीका है उसको मेन्यू में दर्शाने का, लेकिन शामिल जो जो चीज़ें उनके यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ उसमें शामिल की जाएंगी। बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेन्यू, कि मेन्यू के घटक क्या क्या हैं, अर्थात क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए मेन्यू में। किसी पहली होती है जानकारी, जानकारी जानकारी रिगार्डिंग द फूड यूनिट, कि वहाँ पे क्या क्या, कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, ये सारी जानकारी किसी भी ग्राहक आपका मेन्यू देख के ही पता हो जाता है कि कौन सी चीज़
मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने में मिलेगी, तो ये सब चीज़ में मेंशन होनी चाहिए। दूसरा है क्रम, जिससे मैंने पहले बताया किसी भी खाद्य इकाई में क्रम होता है कि सबसे पहले स्टार्टर होंगे, फिर स्नैक्स होगा, मेन कोर्स होगा, या फिर आप देखिए कहीं पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, अलग अलग उसमें पोर्शंस होते हैं, अलग अलग क्रम में जो कि अरेंज किए हुए होते हैं। तो एक क्रम होना चाहिए। चयन, चयन इसमें मतलब ये होता है कि आप लाइक आप वहाँ गए, आपने देखा कि आपको पनीर खाना है, तो पनीर की उसमें आपके पास वैरायटी है, आप दाल, आप पनीर नॉर्मल पनीर खा सकते हैं लाइक कि मटर पनीर, या फिर आप शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मतलब इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, या फिर आप चिली पनीर खा सकते हैं अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से, या फिर कोई दाल ले रहे हैं तो उसमें पीली दाल है, चने की दाल है, और उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो ये सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए ये भी, ताकि कि जो ग्राहक है उसको चयन करने में आसानी हो। उसके बाद है छवि, ये मेन्यू जो होता है वो ग्राहक के मन में उस खाद्य इकाई की एक छवि, एक पिक्चर बनाता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसका मेन्यू देखते हैं कि अरे इसमें तो इतने से कम डिशेस हैं, ओहो इसमें तो यहाँ पे चाइनीज नहीं है, यहाँ पे इटालियन नहीं है, या फिर किसी में देखा आपने अरे वाह इसके यहाँ पे इतना सारा कुछ ऑप्शन है, चलो ये ले लो, डेजर्ट में ये ऑप्शन है, तो इस तरह से एक इम्प्रेशन हमारे पर पड़ता है उस यूनिट का, तो ये मेन्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। उसके बाद है बिक्री, बिक्री का मीनिंग यहाँ पे इससे है कि जैसे कि हमने पहले ही बताया कि सब हर जो डिश होगी, हर जो भोजन जो भी होगा उसके रेट भी उसमें मेंशन होंगे, तो उससे क्या होगा कि जितना अट्रैक्टिव आप, जितना अच्छा और इम्प्रेसिव आप मेन्यू कार्ड बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, उसकी बिक्री दर उतनी ही ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर यूनिट की, तो इस प्रकार से ये भी इसको प्रभावित करता है। बात करते हैं मेन्यू के कार्य, कार्यों के बारे में तो चर्चा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले ही हम इतनी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जैसे किसी एक, अगर किसी मेन्यू कार्ड की उसके फंक्शंस की बात करें तो जैसे वो एक इम्प्रेशन उस यूनिट का हमारे दिमाग पे, हमारे माइंड बनाता है कि वो यूनिट कैसी है इसके बारे में। दूसरा, उत्पादन की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है, कच्चे माल की खरीदारी के लिए भोजन सामग्री की सूची तैयार करना, और आहार सेवा केंद्र में प्रयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों की प्रकार की सूची बनाना, क्योंकि जब मेन्यू बना हुआ होगा तो उसके बेस पे आप सब कुछ तय कर पाएंगे। और इसके अलावा आहार सेवा केंद्र में मेन्यू के अनुसार भंडार, रसोई घर, सेवा क्षेत्र में स्थान को संगठित करना, सेवा की शैलियां हैं डिफरेंट, जैसे ट्रे प्रणाली, वेटर प्रणाली, बुफे आदि का निर्धारण करना, मेन्यू के आधार पर स्टाफ के लिए आवश्यक कौशल व योग्यता का निर्धारण की मेन्यू में अगर आपने चाइनीज डिश रखनी है, इटालियन रखनी है, उसके साथ वो स्टाफ भी चाहिए आपको, तभी आप वो डिश वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। और मेन्यू भोजन तथा श्रम की लागत व ऐच्छिक लाभ की गणना करने का आधार होता है, और मेन्यू का एक कार्य यह भी है कि मेन्यू के अनुसार ग्राहक के वर्ग का निर्धारण किया जाता है जिन्हें आहार सेवा केंद्र आकर्षित करना चाहता है, अर्थात कि मैक्सिमम आपका मास किस प्रकार का भोजन खाना चाहता है, कि वो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, या फिर कोई और जगह का, तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना होता है कि किस प्रकार का मास आपके आसपास है। मेन्यू बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों मेन्यू बनाया गया, तो जैसे ग्राहक की आकांक्षाओं को संतुष्ट करना, अर्थात जब कस्टमर आया तो उसे कंफ्यूजन ना हो कि अरे मैं क्या मंगाऊँ, यहाँ पे क्या मिलता होगा। एक जब हम कहीं किसी भी नई जगह में जाते हैं तो अगर मेन्यू ना मिले तो बड़ा बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है कि पता नहीं यहाँ पे ये मिलता होगा, फिर हम वेटर को बुलाएंगे, पूछेंगे कि हाँ मिलता है, यहाँ पे चाइनीज़ मिलता है, इटालियन मिलता है, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो अगर हमारे पास मेन्यू सामने होगा तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये भी उसका कार्य है। और उच्च गुणवत्ता तथा अच्छा पोषण युक्त आहार प्रदान करना भी उसका एक उद्देश्य है। और इसके अलावा जो भी भोजन है उसे स्थान, समय व उचित दाम पर पहुंचाया जाए, इसी भी अभी इसका एक उद्देश्य होता है। और ग्राहक तथा आधार सेवा केंद्र के स्वामी दोनों के लिए किफ़ायती होता है,
ग्राहक को भ्रामक और त्रुटिपूर्ण जानकारी से बचाता है, क्योंकि सब कुछ जो मेंशन होता है तो कुछ भी भ्रामिक होने की कोई आवश्यकता या फिर होता ही नहीं है। बात करते हैं मेन्यू को प्रभावित करने वाले कारकों की। कौन कौन से कारक हैं जो मेन्यू को प्रभावित कर सकते हैं? पहला है आहार सेवा केंद्र की भौतिक सुविधाएं, लाइक कि आप मेन्यू कार्ड में वही डिशेस लिख सकते हैं जो उस यूनिट में, उस इकाई में, खाद्य सेवा इकाई में जिसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए कि अगर कोई फ्रोजन आप चीज़ें यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डीप फ्रीजर होना बहुत ज़रूरी है, अवन जरूरी है अगर आप कोई भी बेक प्रोडक्ट कराना चाहते हैं। तो अगर ये सब सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, जैसे आपने देखा है छोटे छोटे जो ढाबे वगैरह वहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं होती है, तो वो लोग यार ये सब चीज़ें ऑफर नहीं करते हैं, उनके मेन्यू में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। दूसरा है आहार सेवा केंद्र में कार्यरत अधिकारी सॉरी कर्मचारी या श्रमिक की, जिस अगर आपके पास ऐसा कुक है जो आपके बेक्ड प्रोडक्ट बना सकता है या फिर आपका इटालियन बना सकता है, चाइनीज फूड बना सकता है, इन चीज़ों के लिए आपको पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट चाहिए जो ये चीज़ बनाने में वो रखते हैं, कुशलता रखते हों। तो अगर आपके पास कुशल श्रमिक नहीं है तो आप ये सब चीज़ें अपने यहाँ पर नहीं बना पाएंगे और जिनको आप मेन्यू में भी नहीं दिखा सकते हैं। अगला आता है उपलब्ध धनराशि, अर्थात कि जैसे आपके जितना आपके पास पैसा होगा आप उस हिसाब से ही अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम एक कंपैरिजन करें एक बड़े होटल की और एक छोटे से रेस्टोरेंट या ढाबे की, तो उनके मेन्यू में बहुत सारा अंतर आपको दिखेगा। अगर आप छोटे ढाबे की बात करें तो वहाँ पे आपको मुश्किल से दो या तीन तरह की सब्जियाँ मिलेंगी बजाय उसके कि जैसा होटल में आप जाएंगे तो आपका नंबर ऑफ जो वेजिटेबल्स हैं आपको मिलेंगी, सब्जियाँ कम से कम 10-15 टाइप की, जिससे मिक्स वेज होगी, पनीर की 4-5 वेराइटी होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस प्रकार से एक अच्छा सा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। फिर सेवा का प्रकार और शैली, सेवा का प्रकार और शैली अर्थात कि किस प्रकार की सेवा है, बैरस सेवा है अर्थात थ्रू वेटर है, अस्पताल में ट्रे सेवा है, बुफे है, तो किस प्रकार का सिस्टम है उसमें भी मेन्यू डिसाइड मेन्यू मतलब इफेक्ट होता है। इसके अलावा जलवायु और मौसम है अर्थात कि किस मौसम में, हर मौसम में हर चीज़ नहीं खाई जा सकती, लाइक कि गर्मियों में आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे बट विंटर्स में जब आपके बहुत ठंडा हो रहा हो तो शायद आइसक्रीम खाना कोई पसंद ना करे। तो इस प्रकार से मेन्यू कार्ड में भी इस प्रकार से चेंजेस हो जाते हैं। एक मेन्यू डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है भोजन। भोजन के बारे में उसे ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, भोजन के प्रकार, उसके स्वरूप और विविधता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ऋतुओं के अनुसार उसकी उपलब्धता अर्थात किस मौसम में कौन सी सब्जी मिलेगी, कौन सा सामान अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पोषणात्मक गैर पोषणात्मक तत्व अर्थात हमें पोषक तत्वों का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो हम भोजन खिला रहे हैं उसमें पोषक तत्व भी होने चाहिए, और कोई भी विषैला तत्व अगर किसी भोजन में होता है तो उसे कैसे दूर करते हैं, वो ना बन जाए, उससे कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हमें पहले से ही प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इसके अलावा भोजन के स्वाद, रंग, रूप, खुशबू के बारे में पता होना चाहिए। अन्य भोजन सामग्री लाइक कि किसी भी सब्जी के साथ किसी भी सब्जी को नहीं मिला सकते, हर दाल के साथ कोई भी दाल मिला नहीं सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी किस सब्जी के साथ मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट दे सकती है, जबकि हो सकता है किसी के साथ मिलकर ना दे। तो इस प्रकार से ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भोजन बनाने व परोसने की विधियों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सौंदर्यात्मक और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए, अर्थात वो ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कि आप अगर अच्छे से उसको सजा के, अच्छा सा डेकोरेटिव सा बना के और अच्छे तरीके से वो प्रॉपर मैनर में अगर लेके आएंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है किसी भी कस्टमर पर। इसके अलावा अपने ग्राहक अपने क्षेत्र के ग्राहक और उपभोक्ताओं की पूर्ण जानकारी, ये बहुत आवश्यक है कि पता चला कि आपने किसी ऐसे एरिया में चाइनीज़ शॉप खोल दी है, चाइनीज़ आपने कोई रेस्टोरेंट खोल दिया जहाँ पे लोग नॉर्थ इंडियन हैं और वो लोग नॉर्थ इंडियन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आप यहाँ से साउथ चले गए और आपने वहाँ पे इटालियन खोल दिया जबकि वहाँ पे लोग साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में किस प्रकार का आपको इकाई खोलना चाहिए, आपके कैसे उपभोक्ता हैं वहाँ पे। ये बात करते हैं मेन्यू लिखने की। मेन्यू लिखने में कौन कौन सी बातें सहायक होती हैं, कोई जो मेन्यू प्लानर है, जो मेन्यू प्लान कर रहा है उसको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी उसको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे उसको सहायक
सहायता करेंगी, ये सब देख लेते हैं। लाइक कि हर नियोजन व्यंजनों की जो मानकी जो रेसिपीज हैं वो मानकीकृत होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि फिक्स मात्रा, कि आपने फिक्स कर दिया कि अगर आप ये दाल बना रहे हैं, माना आप पीली दाल बना रहे हैं, तो पीली दाल बनाने के लिए आप एक कटोरा दाल लेंगे, उसमें दो कटोरा पानी मिलाएंगे, आप उसमें एक स्पून सॉल्ट डालेंगे, इतना मसाला डालेंगे, तो फिक्स्ड हो गया कि आप जब भी वो दाल बनाएंगे आप उसमें उसी प्रकार से वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कभी भी उसके टेस्ट में, उसके रंग में, उसके टेक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा आयोजक के पास पूर्व में प्रयुक्त या बनाई गई व्यंजन सूची, मूल्य सूची तथा ग्राहकों द्वारा दिए गए सुझावों की सूची अवश्य होनी चाहिए, कि उन सुझावों को सम्मिलित करके उसमें जितने भी पॉसिबल चेंजेस हैं मेन्यू में किए जा सकें। इसके अलावा आहार आयोजक द्वारा व्यंजन सूची आहार सेवा केंद्र की वृहद तथा छोटी संरचना के आधार पर पूर्व में ही बना लेना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी एक छोटी संस्था और किसी बड़ी संस्था के मेन्यू में बहुत डिफरेंस होता है, यह सब भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा आहार आयोजक को व्यंजन सूची निष्पक्ष होकर बनानी चाहिए, स्वयं की पसंद या नापसंद पर नहीं, आपको कस्टमर बेस्ड होना पड़ेगा, ना कि सेल्फ बेस्ड, कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसका टेस्ट कैसा है, हमारा आसपास कैसा माहौल है, किस एनवायरनमेंट में, किस उसमें आप रह रहे हैं, कि आपको किस सोसाइटी में, आपको ये पता होना चाहिए। व्यंजन सूची बनाना एक सामूहिक कार्य, अर्थात कि काफ़ी लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए जिनकी जो इसके बारे में जानकारी रखते हों। अकेले बैठ के आप केवल अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब आप दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं तो शायद उसके परिणाम बेहतर हो सकते हैं, बशर्त है कि जिसे आप शामिल कर रहे हो वो उस बारे में जानकारी रखता हो। तो जो भी संबंधित व्यक्ति हों उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए। व्यंजन सूची बनाने से पूर्व जो मेन्यू प्लानर है उसे रेसिपी बुक्स और जो डिफरेंट और अलग अलग जगह की मेन्यू कार्ड्स हैं, मेन्यूज हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और व्यंजन सूची बनाने के उपरांत उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है, ताकि जिसे ज्ञात हो कि हम अपने कार्य में कितने सफल हुए, क्या विफलता रही, विफलता के कारण क्या थे, क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि सब चीज़ें बेहतर हो सकें। तो विद्यार्थियों, इस वाली लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेन्यू किस प्रकार से बनाया जाता है, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।